देखिए थोड़ी देर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजमहल लोकसभा सीट के साहिबगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां वो राजमहल लोकसभा के प्रत्याशी ताला मरांडी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जनसभा का आयोजन जिले के उधवा प्रखंड के श्रीधर धीरा कॉलोनी में किया गया है। इस खास मौके पर लोकसभा के प्रभारी राकेश प्रसाद, लोकसभा संयोजक आनंद ओझा, जबकि लोकसभा के प्रत्याशी ताला मरांडी, साहिबगंज जिला के अध्यक्ष उज्ज्वला मंडल भी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संताल परगना के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी दुमका में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दुमका सीट से बीजेपी ने सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बस थोड़ी देर में राजनाथ सिंह यहां पहुंचने वाले हैं और यहां पर ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे। आम जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। देखिए खुशी जो है वो देखी जा रही है। थोड़ी यहां पर बस थोड़ा इंतजार है। देखिए बस ही थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज देखिए कहा जा रहा थोड़ी देर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजमहल लोकसभा सीट के साहिबगंज की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। क्या पूरी जानकारी, क्या अपडेट, कितने बजे तक वो पहुंचेंगे, कैसा उत्साह और कैसे सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां हैं यहाँ पर? देखिए निश्चित तौर पर थोड़ी देर में अब केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र है और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जो ताला मरांडी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे। ये भीड़ जो है वो बयां कर रहा है कि भले ही मौसम खराब है, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन रिमझिम बारिश के बीच लोग जो है वो मैदान में जमे हुए हैं राजनाथ सिंह को सुनने के लिए। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है। सुरक्षा ऐसा कि परिंदा भी यहाँ पर न मारे, लेकिन आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। साथ ही यहाँ पर जो इलाके है वो इलाका पश्चिम बंगाल और बिहार का सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी की जो समस्या है वो बड़ी है। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो रक्षा को लेकर बड़ा सौगात यहाँ पर दे सकते हैं राजनाथ सिंह, ये लोगों को उम्मीद है। हमारे साथ सुधाकर जी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी निश्चित तौर पर ये ज्यादा बता पाएंगे। देखिए अब कुछ ही क्षणों में जैसा सूचना मिल रहा है कि अब कुछ ही क्षणों में यहाँ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये महती जनसभा जो सिरधर दियारा है, सिरधर में जो 9 नंबर ब्लॉक है, यहाँ पर जो राज्य स्कूल है वहाँ पर ये जनसभा होना है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर उनको जनसभा को सुनने के लिए आए, चूंकि ये बंगाल और झारखंड का एक इलाका है जो सटा हुआ इलाका है, ये सिरधर दियारा जो बोलते हैं, इसके बाद उस साइड जो बंगाल पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का यहाँ पे आना, रक्षा मंत्री आना, चूंकि घुसपैठ का भी यही इलाका है, यहाँ पर जो घुसपैठ होती है, तो उसके लिए लोग लेकर भी जो जनता जो है यहाँ सुनने के लिए आए कि अगर कुछ हो सकता है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए कल्याण की जो बातें हो कुछ भी निकले उनके मुंह से। रक्षा तौर पर देखिए बड़ी बात है, लेकिन हम पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अमर बाउरी स्टेज पर बैठे हुए हैं और प्रतिपक्ष के नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ जो अनंत ओझा है जो विधायक है वो भी आए हैं, लेकिन आम जनता से वो रूबरू हो रहे हैं। साथ साथ हम बाएं तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के अंदर जो एक उत्साह है वाकई वो देखते बन रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, तो राजनाथ सिंह का इंतजार है। थोड़ी देर में राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती हुई इस स्कूल मैदान में और लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह आएंगे, राजनाथ सिंह के जो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे वो सुनेंगे। तो एक एक लोगों के अंदर कितना है, अमर मोदी साहेब 450 सीटें जयी हो, 450 सीटें जयी हो, अमर मोदी साहेब नरेंद्र मोदी पर भरोसा, 400 पार हो, ये संदेह किछु नहीं, अमर मोदी एबार हो जाए। निश्चित तौर पे कुछ महिलाएं हैं, हम चाहेंगे कुछ महिलाओं से भी बात कर लें क्योंकि आधी आबादी की बात हम करते हैं, तो आधी आबादी की बात में निश्चित तौर पे किसको सुनना है। तो नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा है? अनेक प्रचुर संपूर्ण
महिलाएं हैं और जाहिर सी बात है कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं महिलाओं के साथ साथ यहाँ पे आम जनता जो वो आई है उनकी भी उत्साह जो है वो देखी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा मनोज, जैसे ही राजनाथ सिंह आते हैं आपका रुख करेंगे, देखना होगा कि किस तरीके से वो हुंकार भरते हुए साहिबगंज में नजर आते हैं और ताला मरांडी के हक में आम जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।